तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर हमने लास्ट में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप ईआर डायग्राम से टेबल के अंदर कैसे उसको ट्रांजेक्ट करवा सकते हो, ठीक है, बदल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब क्या है कि एक नया टॉपिक है जिसके मदद से ट्रांजैक्शन आप कभी भी करते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसीजर आती है, रूल्स के किस तरीके के रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दो टॉपिक दिए हुए हैं कि इस ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है, उसको मेंटेन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी यूज होती है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर थे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन के बारे में, ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन इज अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन। मतलब क्या होता है कि लॉजिकली बहुत सारा इंस्ट्रक्शन उसके अंदर, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दी हुई होती है। जैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग आप करते हो तो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आप समथिंग सिर्फ सी लैंग्वेज में हेलो भी लिखना हो तो आपको पहले क्या लिखनी होती है, लाइब्रेरी फाइल अटैच करवानी होती है, फिर वर्ड में लिखते हो, उसके बाद क्या आ जाता है उसके अंदर प्रिंट एप में हेलो लिखते हो। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। मतलब आप कभी भी लाइब्रेरी अटैच नहीं कराओगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होने वाला, फिर आप वर्ड में नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होने वाला है वो आपको नहीं पता ही चलेगा। तो ये सारे क्या होगी, फंक्शनलिटी होगी, लॉजिकली आपको ये लिखना ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हम कभी भी अपना ट्रांसफर करते हैं, हमारे जो पास पैसे होते हैं वो कभी भी ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे हमने जिसके अकाउंट में डालना है उसका नंबर डाल दिया, और हमारे पास क्या होता है कि जिसको हमें डालना है उसका एक नंबर होता है या फिर ट्रांजेक्शन नंबर होता है, उसका आईएफएससी कोड होता है। ठीक है, जो जहाँ पर भी हमें भेजना है उसका एक नंबर होता है। तो इन दो नंबर के बीच में हमें तो सब यही दिखता है, पर बैकग्राउंड में इसके अंदर प्रोसेस कौन सी होती है कि जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो हमारे अकाउंट में से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, और उसके अकाउंट में जब भी डेटा जाएगा तो उसके अकाउंट में प्लस हो रहा है। तो ये पूरी साइकिल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में से पहले कट होगा, देखेगा कितना डेटा है उसको देखेगा, फिर कट करेगा, फिर वापस उसको हमारे डेटाबेस में माइनस करके रख देगा। ठीक है, वापस उसके अकाउंट में जाएगा तो वहाँ पे डेटा देखेगा पे कितना है, उसके अंदर ऐड करेगा और उसको वापस परमानेंटली स्टोर कर देगा। तो ये चीज उसके अंदर ट्रांजेक्शन में आती है, पूरी लॉजिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यही आपको यहाँ पे लॉजिकली मतलब थियरिकली दिया हुआ है कि ट्रांजेक्शन इज सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन। मतलब बहुत सारे उसके अंदर लॉजिकली ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ टास्क, मतलब वो ग्रुप में होता है, जितना भी इसका टास्क होता है वो सारा एक ग्रुप में, अगर वो ग्रुप में जितने टास्क है वो खत्म नहीं हो रहे तो वो दूसरा ट्रांजेक्शन तब तक नहीं लेता। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर होती है। फिर ये कि ट्रांजेक्शन इज अ एक्शन ऑफ एक्शन और अ सीरीज ऑफ एक्शन, मतलब सिंगल एक्शन भी हो सकता है या फिर आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ करवाने हैं तो उसके भी सीरीज में हो रहे हैं वन टाइप ऑफ। ठीक है, बहुत सारे एक्शन एक ट्रांजेक्शन के अंदर करवा सकते हो या फिर सिंगल ट्रांजेक्शन भी आप उसके अंदर कर सकते हो। तो ये सारी बैकग्राउंड में प्रोसीजर होने वाली है। ठीक है, तो इट इज परफॉर्म बाय सिंगल यूजर, मतलब सिंगल यूजर भी उसको ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, एक उसको उस टास्क को एक्सेंड करवाने के बाद उसके जो डेटाबेस है उसके अंदर भी वो कंटेंट को देख भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है उसके अंदर। जैसे मैं ट्रांजेक्शन को सबमिट करता हूँ, ठीक है, मैंने 100 रुपये किसी के अकाउंट में डाले तो वापस मेरे अकाउंट में देखूंगा तो सही ना कितना बचा है, तो मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ, मतलब मेरे अकाउंट के अंदर जितना भी डेटा होगा उसको। ठीक है, तो ये चीज ट्रांजेक्शन के अंदर आती है। ग्रुप और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन एक्शन बोलते हैं ट्रांजेक्शन को। ठीक है, उस जो यूजर के परफॉर्म एक ही यूजर को परफॉर्म करवा सकता है और उसको देख भी सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझते हैं, जो हमने यहाँ पे थियरिकली पढ़ा है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। तो उसके अंदर सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया क्या दिया हुआ है कि सपोज एन एम्प्लॉय ऑफ बैंक ट्रांसफर 800, मतलब किसी बैंक का कोई एम्प्लॉय वो 800 ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, कहाँ से, एक्स अकाउंट से वाई अकाउंट, यहाँ पे हम एज अ एक्स और वाई अकाउंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इट इज अ स्मॉल ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर बहुत सारे लो लेवल के टास्क हो गए। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से टास्क हो जाएंगे, तो पहले तो एक्स अकाउंट वाला जो पर्सन है वो डेटा ट्रांसफर करेगा, तो पहले उसके अकाउंट ओपन करेगा, उसके अंदर कितना डेटा है वो चेक करता है। ठीक है, मतलब पुराना अकाउंट के बैलेंस कितना है, अगर वो सही से होगा बैलेंस उसका अकाउंट उसको भेजना है उससे ज्यादा होगा, मतलब उसके अकाउंट में 1000 1000 रुपये पर पड़े हुए, उससे 2000 2000 ट्रांजेक्शन करने, तो वो कभी होने वाला नहीं है, पहले वो
देखेगा ना उसके अकाउंट में कितने पड़े हुए, अगर नहीं होगा तो इनसफिशियंट बैलेंस दे देगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गई। उसके बाद उसको 1000 रुपीज ट्रांसफर करने, उसके अकाउंट में 1000 ही पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सही हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उसके अकाउंट में से जो 1000 उसको उसने ट्रांसफर किया वो माइनस हो जाएगा, तो उसका न्यू बैलेंस अब क्या हो गया, जीरो हो गया ना। फिर वो जीरो बैलेंस से वापस उसके अकाउंट में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, फिर उसका अकाउंट यहाँ से बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन एक व्यक्ति जब भी भेजता है, ठीक है, पैसे, ठीक है, डेबिट करता है, तब ये सारी प्रोसीजर इसके अंदर होती है। अब जिसके अकाउंट में जा रहा है उसके अकाउंट में भी देखो कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो पहले अकाउंट में से क्या होता है कि ओपन करेगा, उसके बाद जो उसका नया बैलेंस आया है और पुराना बैलेंस है दोनों को चेक करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जो उसके पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ था ओल्ड बैलेंस, उसके अंदर वो नया बैलेंस ट्रांसफर करेगा, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो नया बैलेंस उसका ओल्ड प्लस बैलेंस दोनों मिलके यहाँ पे न्यू बैलेंस आ गया। फिर जो लास्ट बैलेंस आया उसके पास उसको नए बैलेंस के अंदर स्टोर कर देगा, उसका अकाउंट यहाँ पे क्लोज है। तो ये भी सीरीज ऑफ टास्क हो गई ना हमारे पास। तो दो जब भी एक ट्रांजेक्शन होता है तो किसके अकाउंट में से डेटा डिलीट हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो रहा है दूसरे अकाउंट के और दूसरे अकाउंट में जा रहा है, तो ये प्रोसीजर सारी इसके अंदर होती है, ठीक है। तो आपको पता चला कि ट्रांजेक्शन किस तरीके होता है, जो एक्स और वाई के अंदर जितनी भी ये प्रोसीजर हो रही है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। मतलब एक ट्रांजेक्शन एक ही यूजर ने किया है तो उसके साथ क्या होगा कि एक ही तरीके की प्रोसीजर यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। सामने वाले को तो कुछ करना नहीं होता, अकाउंट में सीधा डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो भी हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया तो उसके साथ कौन कौन सी प्रोसीजर जो रूल्स थे वो जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे दिखाया गया ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, तो उसके साथ कौन कौन सी प्रोसीजर थी, सिस्टम कौन कौन सी बैकग्राउंड में प्रोसीजर करता है, टास्क करता है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ। तो फॉलोइंग आर द मेन मेन ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जब भी किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन होता है तो उसके अंदर कितनी फंक्शनलिटी चलती है वो यहाँ पे मेंटेन की हुई है, ठीक है। तो पहले क्या है कि तो रुके हुए रीड, एक्स मतलब क्या है कोई अमाउंट, ठीक है, रीड मतलब ऊपर देगा, रीड ऑपरेशन मतलब ये रीड ऑपरेशन इज यूज टू रीड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स नाम के अकाउंट, एक्स नाम के पर्सन के अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है वो पहले रीड करता है फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर इट इन अ बफर मेन मेमोरी, मतलब जब भी उसको ट्रांसफर करना होता है तब वो मेले उस अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस था उसको पहले एक मेन मेमोरी में ट्रांसफर, उसके डेटाबेस में तो एज इट इज है ही, पर एक मेन मेमोरी अलग से मेन मेमोरी बनती है और उसके अंदर वो अमाउंट स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि राइट मतलब जो भी डेटा उसके पास पड़ा हुआ है अगर कोई चेंजेस होगा उसके अंदर तो वापस मुझे वहाँ पे उसके अकाउंट में भी डालना, चेंजेस करना पड़ेगा ना, मतलब राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ कि राइट ऑपरेशन इज यूज टू राइट द वैल्यू ऑफ बैक टू द डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के अंदर, ठीक है, जो भी वैल्यू उसकी डेबिटेड हुई है मतलब डेबिट हो गया उसका समथिंग, उसने 800 ट्रांसफर किया तो 800 माइनस होना चाहिए, तो कहाँ से होगा, बफर में से पहले माने माइनस होगा उसके बाद उसके डेटाबेस में स्टोर होता है, मतलब राइट होता है, उससे पहले वो होता नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना कि जब भी वो डेटा रीड करता है तो पहले बफर के अंदर वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है, वहां पे सारी कैलकुलेशन होती है बफर के अंदर, और जो भी लास्ट अमाउंट बचेगा वो वापस उसके अकाउंट के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा, मतलब राइट करेगा। तो पहले रीड किया फिर राइट किया, तो ये किस तरीके से चलता है, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा देखो आर एक्स मतलब रीड ऑपरेशन चल रहा है, कितना अमाउंट है वो, ठीक है, तो उसके अकाउंट में जितना अकाउंट था मिल गया, अमाउंट था मिल गया, फिर उस अमाउंट में से उसने 500 ट्रांसफर किए तो वो माइनस हो गए, तो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू अमाउंट आई उसको वापस डेटाबेस के अंदर ट्रांसफर करना है, तो राइट नाम का फंक्शन चलेगा और उसके अंदर जो भी लास्ट अमाउंट मिली होगी एक्स के अंदर वो उसके अंदर डेटाबेस में ट्रांसफर करवा देगा, मतलब उसके अकाउंट में से 500 माइनस हो गए, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि लेट्स एज्यूम द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज 4000, मतलब जब भी उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसके अकाउंट में 4000 पड़े हुए हैं, क्या यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं 4000, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ रीड एक्स वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर इट इन बफर, मतलब उसके डेटाबेस में 4000 पड़ा हुआ है वो कहाँ पे लेगा, पहले तो बफर के अंदर लेगा 4000, मतलब दो जगह पे 4000 और 4000 है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि सेकंड ऑपरेशन विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स बाय 500, मतलब उसके अकाउंट में से 500
माइनस हो गए, ठीक है, 500 माइनस हो, सो बफर विल कंटेनर 3500, मतलब बफर के अंदर कितना बचा उसके अकाउंट में, मेन अकाउंट में 4000 रुपये, बफर के अंदर कितना बढ़ा है 3500 माइनस होने के बाद। अब उसको क्या करना है कि जो भी 3500 मिला है उसको वापस डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो थर्ड ऑपरेशन विल राइट बफर, ठीक है, तो बफर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो डेटाबेस में राइट कर देगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है, तो एक्स की फाइनल वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3500, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर चलती है, ठीक है। अब जो भी लास्ट अमाउंट डेटाबेस के अंदर उस पर्सन के डेटाबेस में स्टोर हुआ है उसे कमिट करना होता है, मतलब कमिट करने के बाद उसके अकाउंट में और माइनस नहीं होगा, मतलब फाइनल हो गया, एक बार माइनस हो गया तो वो कमिट कर देगा, कमिट मतलब फाइनल चीज, उसके अंदर अब चेंज होने वाला नहीं है, जब तक वो नया ट्रांजेक्शन नहीं करेगा तब तक, ठीक है, जब तक वो नया ट्रांजेक्शन नहीं करेगा तब तक उसके अमाउंट है उसके अंदर कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते। तो कमिट फंक्शन की मदद से क्या होता है कि जो भी लास्ट वैल्यू उसके अंदर सेव हुई थी वो परमानेंट हो जाएगी, उसके बाद आप सेव नहीं कर सकते हो जब तक नया ट्रांजेक्शन नहीं करते चालू, ठीक है। उसके बाद है रोल बैक, उसको अंडू करवाना है तो सिर्फ एक ही चीज की मदद से हो सकता है कि अगर वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया है या फिर किसी के पास उसकी अथॉरिटी है, ठीक है, तो ही वो अंडू करवा सकता है, ठीक है। पर उसको क्या मेंटेन करना होगा, दोनों अकाउंट में से दोनों अकाउंट को मैंने मेंटेन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये रोल बैक की परमिशन है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। अगर करना हो तो कमिट होने के बाद रोल बैक आप कर सकते हो, पर कब, जब आप उसके पास ऑथोरिटी हो तभी आप उसको रोल बैक करवा सकते, मतलब अंडू करवा सकते हो, ठीक है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर ये चार फंक्शनलिटी चलती है, रीड राइट कमिट एंड रोल बैक। रोल बैक तो ऑप्शनल हो गया, तीन चीज तो कंपलसरी चलती ही चलती है, रीड राइट और कमिट, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन था किस तरीके से होता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी, हमारा जो सेकंड टॉपिक था उसके अंदर किन कौन कौन से रूल्स मेंटेन किए हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर होती है। तो पहले हम चलते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर कौन सी होती है, किस तरीके से यूज होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखा, द ट्रांजेक्शन हैज अ फॉर प्रॉपर्टी, दीज आर यूज टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी अमाउंट जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको एक तरीके से अच्छे से संभालने की कोशिश करता है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उससे पहले का भी डेटा सेव करके रखता है, जो भी ट्रांजेक्शन हो गया उसके बाद का डेटा भी परमानेंटली सेव करके रखता है, मतलब कंसिस्टेंसी रखता है, मतलब वो एक एक ही तरीके का काम बार 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 कर रहा है, बहुत ही सही तरीके से कर रहा है, उसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी इसके अंदर, दीज आर यूज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन डेटाबेस बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन, किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इसके चार टाइप्स है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो पहले यहाँ पे लिखा है भाई एटोमिसिटी का मतलब क्या हो गया, मींस यहाँ पे लिखा है, देखो ये इस डायग्राम के अंदर आपको बताया गया है भाई, मींस इधर ऑल सक्सेसफुल और नॉट, मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो एक अकाउंट में से माइनस हो रहा है दूसरे अकाउंट में प्लस होगा, तो ये पूरा सक्सेसफुल होगा तो ही आपका ट्रांजेक्शन गिना जाएगा, वरना आपका ट्रांजेक्शन गिना जाएगा नहीं। अगर आपने ट्रांसफर करवा दी है पर उसके अकाउंट में पहुंचे ही नहीं है तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसका भी टाइम रहता है, ठीक है। तो ये एटोमिसिटी के अंदर आता है। फिर है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या हो गया, कभी भी आप किसी अकाउंट में से ट्रांसफर करवाते हो दूसरे अकाउंट में पहुंच रहा है, ठीक है, और वहां पे जाने के बाद वो पूरे ट्रांजेक्शन को चेक करता है, भी आपके अकाउंट में से कट हो गया है पर उसके अकाउंट में पहुंचा नहीं है, तो पूरा ट्रांजेक्शन को गिनता नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी उसकी मेंटेन नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर कंसिस्टेंसी के अंदर आता है, पूरा ट्रांजेक्शन होगा तो ही वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है, वरना वो वापस जो भी चीज का भी डेटा आपने ट्रांजेक्ट कर भी किया है तो आपके अकाउंट में वापस डाल देगा, जैसा था मतलब जैसा था वैसा पहले ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन। फिर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या हो गया, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया तो आपका जो भी डेटा है जो भी अमाउंट है वो फिक्स करना होता, मतलब कमिट करना होता, उसके बाद उसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा नहीं, ठीक है। अगर चेंजेस नहीं होगा तो चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है, तो भी आपका अमाउंट के अंदर और कुछ डिडक्शन भी नहीं होने वाला, ठीक है, मतलब आपने एक ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपके अकाउंट में से कट गया दूसरे अकाउंट में से
जमा हो गया, तो ये पूरी एक ड्यूरेबिलिटी हो गई। मतलब फिर आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब क्या हो गया कि वो चेक करता है कि ये पूरी प्रोसीजर है वो हुई है कि नहीं हुए, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन वाली जो पूरी प्रोसीजर है, जितने भी आप ट्रांजेक्शन करवा रहे हो एक साथ या एक करवा रहे हो, तो उसकी प्रोसीजर यहाँ पे हुई है कि नहीं हुई वो चेक करता है। अगर वो हो गया होगा तो उसको आइसोलेशन के अंदर डालेगा, ठीक है। तो ये एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी और आइसोलेशन जब भी पूरी होती है तो वापस आप नए ट्रांजेक्शन करवा सकते हो। मतलब वापस यहाँ पे देखो एरो दिखा एटोमिसिटी, तो नया ट्रांजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलवेज एटोमिसिटी से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बाद यहाँ पे आ जाता है ड्यूरेबिलिटी और आइसोलेशन, ठीक है। जब तक ये पूरी प्रोसीजर यहाँ से खत्म नहीं होती तब तक नया ट्रांजेक्शन आपका स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो एटोमिसिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, तो इसके बारे में हम और आगे जाने, तो इसके सारे जितने भी टाइप्स हमारे पास है, तो जितने टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा तो उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो एटोमिसिटी, ठीक है। तो एटोमिसिटी के अंदर क्या है अब कि इट स्टेट ऑल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एट वंस इफ नॉट द ट्रांजेक्शन इज अबोर्टेड। मतलब क्या हो गया कि जब तक आप किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करवाते हो तो वो एक जगह जब तक नहीं लेता, ठीक है, और पूरी तरह से सक्सेसफुली नहीं होता तब तक वो आगे नहीं बढ़ता, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसके बीच में आ गई तो वो क्या कर देता है, उस ट्रांजेक्शन को अबोर्ट करता है। मतलब आधा ट्रांजेक्शन वो कभी भी नहीं करेगा, आपके अकाउंट में कट गया पर उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा तो वो क्या करेगा कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसको वापस जैसा था वैसा, मतलब अबोर्ट कर देगा, कैंसिल कर देगा, आपके अकाउंट में से कटा है तो वापस आपके अकाउंट में जमा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो एटोमिसिटी मेंटेन क्या करता है कि जो भी आपका अकाउंट के अंदर जो भी कटिंग हो रही है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पूरा कभी भी आधा नहीं करेगा, करेगा तो पूरा एक साथ ही करेगा, वरना वो ट्रांजेक्शन अबोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ देखो, देयर इज अ नो मिडवे, इसमें किसी भी तरीके का बीच में रुकावट नहीं आती, अगर आ गई तो उसको अबोर्ट करना है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कैन नॉट अकर पार्शली, मतलब पार्शली मतलब आधा आधा ट्रांजेक्शन कभी भी इसके अंदर होता नहीं है। आप अगर आप 500 रुपए किसी में ट्रांसफर करो तो 250 रुपए कभी भी उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होता, मतलब आधा ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं होगा। इच ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज वन अंटी यूनिट, वन यूनिट, जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है इस ट्रांजेक्शन वो एक यूनिट के फॉर्म में होता है, एंड इधर रन टू कंप्लीशन और इज नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। मतलब वो रन हो रहा है, ठीक है, रन होगा तो पूरा होगा, वरना पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब नॉट एग्जीक्यूट, मतलब पूरे का पूरा अगर रन नहीं होगा, अगर होगा तो पूरा होगा, रन टू एक कंप्लीशन, जब तक कंप्लीशन नहीं होगा तब तक रन होता रहेगा, अगर नहीं हो रहा जो क्या करेगा कि आपका जो एग्जीक्यूट था वो पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब जैसा था वैसा पहले कर देगा, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर थी। तो एटोमिसिटी के अंदर दो ऑपरेशन आते हैं, तो अबोर्ट आता है और कमिट आता है, मतलब होगा तो कमिट हो जाएगा, अगर ऑपरेशन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो उसको अबोर्ट कर देगा। तो दो चीज हो गई, अब तो हमें डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है कि भाई ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कमिट होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो वो अबोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा है कि ट्रांजेक्शन अबोर्ट देन ऑल चेंजेस मेड आर नॉट विजिबल, मतलब जो भी चेंजेस हुए वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, वो जैसा था वैसा हो जाएगा, और कमिट है तो इफ ट्रांजेक्शन कमिट देन ऑल चेंजेस आर टू बी विजिबल, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन आपके हुए है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से के एटोमिसिटी का यूज होता है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ कभी आता नहीं होता, दूसरी बात होगा तो पूरा होगा वरना अबोर्ट कर देगा, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एटोमिसिटी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि लेट्स एज्यूम दैट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टी, मतलब एक ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका नाम क्या है यहाँ पे टी है, कंसिस्टिंग ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। तो उसके दो पार्ट्स है, T1 एंड T2, जिसका अकाउंट में कट रहा है वो दूसरे अकाउंट में जमा हो रहा है, तो ये चीज T1 और T2 के फॉर्म में है। अ कंसिस्टेंस ऑफ ए कंजिस्ट ऑफ ₹600 एंड बी कंजिस्ट ऑफ 300, ठीक है। ट्रांसफर मतलब ए के पास 600 है और बी के पास 300 है,
ट्रांसफर ऑफ 100 फ्रॉम अकाउंट ए टू बी, मतलब एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में 100 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं, ए के पास 600 है और बी के पास 300 है, ठीक है। ये T1 का प्रोसीजर है और T2 का प्रोसीजर। तो देखो T1 के पास पहले क्या आता है, हमने आगे पढ़ा वैसे ही कि पहले वो उसके अकाउंट में जितना भी पड़ा होगा उसको बफर के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। स्टोर करने के बाद उसको पढ़ेगा, रीड करेगा, मतलब फिर रीड करने के बाद उसके अंदर से वो डेटा माइनस, क्योंकि वो डेटा पैसे भेज रहा है, ठीक है, मनी अमाउंट भेज रहा है। तो उसके जो मेन अकाउंट होगा उस बफर के अंदर जो अकाउंट पड़ा होगा, अमाउंट पड़ा होगा, उसको माइनस करेगा और वापिस बफर के अंदर जो चेंजेस हुआ अमाउंट, मतलब 600 थे उसमें से 100 माइनस किए हमने, तो उसके पास बचे कितने, अब 500 बचे, तो उसके परमानेंट डेटाबेस के अंदर 500 का दे, तो ये प्रोसीजर होगी। उसके बाद T2 के पास जाएगा और उसका अमाउंट पहले डेटाबेस में से पड़ेगा, बफर के अंदर ट्रांसफर करेगा, जो भी उसका अमाउंट होगा उसके अंदर 100 ट्रांसफर करेगा, मतलब प्लस कर देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका टोटल अमाउंट उसके बाद 300 देगा, अब उसकी फाइनल अमाउंट होगी 400, तो वापिस 400 उसके डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। मतलब जब भी ये ट्रांजेक्शन खत्म होगा तो ए के पास 500 और बी के पास 400 बचेगा, तभी ये पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होता है, उससे पहले कभी भी वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर थी, तो उसको यहाँ पे नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन ए कंजिस्ट ऑफ 500 जैसे मैंने आपको बताया, एंड बी कंजिस्ट ऑफ 400, मतलब बी के पास कितना बचा 400। तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इफ ट्रांजेक्शन टी फेल्स, देखो अगर ये फेल हो गया तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन T1, अगर एक T1 का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है बट कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन T2 मगर T2 का ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, देन द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ए, मतलब ए में से माइनस हो गया बट नॉट एडेड टू बी, मतलब बी के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ, ए में से कट हो गया, बी में ट्रांसफर नहीं हुआ। दिस शो द इनकंसिस्टेंस डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, मतलब एक में से माइनस हो गया पर दूसरे में 100 जमा नहीं हुआ तो मेंटेन नहीं हुई, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई, मतलब वो बैलेंस सही रहना चाहिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ डेटाबेस स्टेट द ट्रांजेक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन एंटायरिटी, ठीक है। वो चेक करता है कि ये पूरा ट्रांजेक्शन है, यूनिट है, हुआ है कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो वो पूरे ट्रांजेक्शन को चेक करता है, अगर नहीं हुआ तो क्या कर देगा, वापस रोल बैक कर देगा, मतलब ऑटोमेटिकली जिसके अकाउंट में कटे थे उसके अकाउंट में वापस से वो पैसा जितना कटा था उतना डाले, वापस उसको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है कि बीच में नेट स्लो या किसी भी और कारण से हमारा ट्रांजेक्शन बीच में रुक जाती है, या फिर पूरी प्रोसेस हुई है पर उसके अकाउंट में जमा ही नहीं हुए, तो वापस क्या हो जाता है कि ट्रांसफर अकाउंट इज बिन फेल्ड ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो हमें वापस से ट्रांजेक्शन चालू करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल ट्रांजेक्शन की यूज होने वाली है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिया होता है, आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी वो कैसे मेंटेन होती है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर मेंटेन, मतलब जो भी इंटीग्रिटी मतलब क्या होगी, उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है उन लोगों ने पहले से प्रिपेयर करके रखा है भाई ऐसे ऐसे भी प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी, और कंस्ट्रेंट मतलब क्या हो गया, उसके रूल्स हो गए, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आने से पहले ही जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उसको पहले उसके सारे रूल्स पहले डिफाइन करके ही रखे हुए उन लोगों ने, ठीक है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर मेंटेन, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ठीक है, वो रूल्स के मुताबिक मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही होगी तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं हो रही है तो उसके ट्रांजेक्शन अबॉर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्टली हो जाता है, हमें वेट नहीं करना पड़ता 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे उसके अकाउंट में हुए है कि नहीं हुए, ठीक है, तो तुरंत हो जाता है। तो ये सारी बहुत ही फास्ट वे से कंसिस्टेंसी अभी चल रही है। सो डेट द डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन, मतलब जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तभी वो डेटाबेस के अंदर जो भी कंसिस्टेंसी वो मेंटेन करके डायरेक्टली रखता है, ठीक है। द कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस स्टेट, डेटाबेस के अंदर जो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है, डेट एवरी ट्रांजेक्शन सी द कंसिस्टेंसी डेटाबेस, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो
दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करता है कि पूरी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है कि नहीं हुई, वो चेक करके चेक करता रहता है। ठीक है, अगर हुई होगी तो कंसिस्टेंसी मेंटेन है, वरना नहीं है। अ ट्रांजेक्शन इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा बेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंसी टू अनदर कंसिस्टेंसी, मतलब जब भी वो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो आपको रीड ऑपरेशन में से राइट ऑपरेशन में जाएगा, और जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो वहां से भी रीड ऑपरेशन में से राइट ऑपरेशन में जाएगा, मतलब कंसिस्टेंसी स्ट्रेंथ खुद की बदलती रहती है। ठीक है, फिर उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। द टोटल अमाउंट मस्ट बी मेंटेन बिफोर और आफ्टर ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी अमाउंट आप में से कट हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसको मेंटेन भी करना हो तो किस तरीके से ट्रांजेक्शन में बिफोर आफ्टर का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल बिफोर टी अकर, मतलब जब भी ट्रांजेक्शन होगा उसके पहले क्या होता है, तो पहले होता है कि 600 + 300, मतलब 900 हो गए यहाँ पे आपके पास। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन होने के बाद, ठीक है, ट्रांजेक्शन होने के बाद यहाँ पे जिसके अकाउंट में 500 + 400, तो यहाँ पे टोटल होना चाहिए 900। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे मेंटेन हो, मतलब ये जो जो भी उसने ट्रांसफर किया है जिसके अकाउंट में से, ठीक है, वो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कंसिस्टेंस मेंटेन करके, मतलब 900 यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ 900 यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर मेंटेन होती रहती है। देयरफॉर द डेटाबेस इज कंसिस्टेंट, सो हमारा सारा डेटा क्या है, कंसिस्टेंट। इन केस व्हेन T1 इज कंप्लीटेड बट T2 फेल, देन इनकंसिस्टेंस अकर। मैंने आपको पहले बताया एक अकाउंट में से ट्रांसफर हो गया है पर दूसरे अकाउंट में से ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया कि इनकंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया कि इट्स शो दैट द डेटा व्हिच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन हमारा हो रहा है तब उस टाइम पे कौन सा डेटा ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी यूज बाय द सेकंड, मतलब जो भी हमने डेटा ट्रांसफर करवाया है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, वो दूसरे ट्रांजेक्शन के टाइम पे वही डेटा है कि नहीं है, नहीं है, वो चेक करता है। मतलब यहाँ से मैंने 100 माइनस कर दी तो वहां पर 100 होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, दोनों जगह पे 100 100 हो गए। ठीक है, तो आइसोलेशन भी यहाँ पे चेक करता रहता है, जब तक फर्स्ट अकाउंट में से कंप्लीट नहीं होता तब तक वो दूसरे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे हैंडल नहीं करता। मतलब आइसोलेशन की मदद से क्या हो जाता है कि आपकी पूरी एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं होता, तब वो लाइन में जो दूसरा ट्रांजेक्शन पड़ा हुआ है उसको वो एक्सेस नहीं करता, मतलब उसको हैंडल नहीं करता। ठीक है, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ। इन आइसोलेशन इफ ट्रांजेक्शन T1 इज बीइंग एग्जीक्यूट, मतलब T1 नाम का ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है एंड यूजिंग द डेटा, और उसका डेटा भी यूज हो रहा है एज ए एक्स, देन दैट डेटा आइटम कैन कांट बी एक्सेस बाय अदर ट्रांजेक्शन, मतलब उसका डेटा है वो अदर ट्रांजेक्शन उसको यूज, मतलब सेकंड ट्रांजेक्शन चालू है तो भी उसको यूज करने करेगा नहीं, मतलब यूज ही नहीं करने देगा, मतलब दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट ही नहीं वाला होने वाला जब तक उसको डेटा नहीं मिलेगा, तब तक ट्रांजेक्शन तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है जब तक T1 एंड्स नहीं होता ट्रांजेक्शन, तब तक T2 है, सेकंड ट्रांजेक्शन है, वो अपना डेटा ट्रांजेक्शन डेटा आइटम यूज नहीं कर सकता। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉन्करेंसी कंट्रोल सब सिस्टम ऑफ DBMS इन्फोर्स द आइसोलेशन प्रॉब्लम, मतलब कॉन्करेंसी कंट्रोल है वो आगे के एक पार्ट से ट्रांजेक्शन का ही। ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी इज यूज टू इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस कंडीशन, मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा डेटा पड़ा हुआ है उसको उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की, वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको बार बार वो चेक करता रहता है। इट स्टेट दैट द ट्रांजेक्शन मेड द परमानेंट चेंजेस, मतलब वो चेक करता है कि जब आपका ट्रांजेक्शन वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो वो परमानेंट मोड में है कि नहीं है, मतलब कमिट मोड में है कि नहीं है, तो वो भी वहां से वो चेक करता रहता है। फिर उसके बाद दे कैन नॉट बी लॉस्ट बाय एरोनियस ऑपरेशन और फॉल्टी ट्रांजेक्शन और बाय द सिस्टम फेलियर,
मतलब तीन तरीके के एरर इसके अंदर आते हैं। अगर ऑपरेशन फॉल्ट हो गई, ट्रांजेक्शन होते टाइम ऑपरेशन खत्म हो गया, या फिर सिस्टम फेल हो गया, मतलब आपका लैपटॉप पीसी मोबाइल बंद हो गया, ठीक है, बीच में से, तो इस तरीके की जो एरर आती है उसमें वो डेटा लॉस्ट नहीं करता है। वो क्या करता है कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, आपके अकाउंट में कटा पर उसके अकाउंट में नहीं होगा, पर आपके बीच में क्या हुआ कि आपका लैपटॉप या पीसी बंद हो गया या मोबाइल बंद हो गया, तो वो ट्रांजेक्शन जो वापिस रोल बैक कर देगा, ठीक है। फिर है कि व्हेन ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है देन डेटाबेस रीचेज द स्टेट नॉन एज अ कंसिस्टेंट, मतलब उसके पास भी एक कंसिस्टेंट स्टेट होता है, मतलब कमिट स्टेट होता है, जिसके अंदर वो क्या हो जाता है कि परमानेंटली वहां पे पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, जब तक नया ट्रांजेक्शन आप स्टार्ट नहीं करते। द कंसिस्टेंट स्टेट कैन नॉट बी लॉस्ट, मतलब जो भी आपका लास्ट अमाउंट परमानेंटली स्टोर हो गया उसको उसको वो जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। इवन द सिस्टम फेलियर, जब अगर ट्रांजेक्शन हो गया आपके अकाउंट में, पैसा जमा भी हो गया या फिर कट हो गया है, ठीक है, और पूरा ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, फिर आपका सिस्टम या लैपटॉप बंद हो गया या मोबाइल बंद हो गया, तो भी आपका डेटा वहां से लॉस नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। द रिकवरी और रिकवरी सब सिस्टम ऑफ डीबीएमएस हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी, मतलब जो भी रिकवरी आप देती डीबीएमएस के अंदर होती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ड्यूरेबिलिटी ट्रांजेक्शन की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे इस चार स्टेट की मदद से हो रहे हैं, चार ट्रांजेक्शन की मदद से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके इस चारों के बीच में जो भी प्रोसीजर आपकी हो रही है, इसके बाद कोई भी प्रोसीजर चलते नहीं है, इन चारों के बीच में ही सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपका हो जाता, फेल हुआ तो भी, नहीं फेल हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, कंप्लीटेड हुआ, तो सारा का सारा इसके अंदर मेंटेन होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था कि दो टॉपिक हमने पढ़े, ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी। इसके बाद हम पढ़ने वाले ट्रांजेक्शन स्टेट, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसके दो लेक्चर और बाकी है, तो इसको अच्छे से पढ़ना ताकि आपको ट्रांजेक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, इसकी कौन से टाइप से, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी में किस तरीके से यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो लेक्चर के रिलेटेड यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी जो RNWIT की एप्लीकेशन है उसके अंदर आपकी अटेंडेंस के थ्रू। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।